Very good morning, students. I am your science teacher, and today I am going to teach you science of class 5th. And today we continue chapter 6, health and disease. And today we discuss part 2nd. So now see in the book. This is your science book, science of class 5. Now open chapter number 6. See, this is the chapter number 6, health and disease. Now today we start part 2nd. So now open page number 56. This is the page number 56. And today we discuss about the communicable disease. Communicable disease कौन सी होती है बच्चों? These are the diseases that can be passed on from one person to another. Communicable disease बच्चों वो disease होती है, यानी कि वो बीमारी होती है जो एक इंसान से दूसरे इंसान को हो जाती है, उसे हम communicable disease कहते हैं. Communicable or infectious disease are spread by microbes or germs called bacteria, protozoa and virus. जो communicable disease होती है बच्चों वो infection से फैलती है, और infection microbes के द्वारा होता है. microbes या germs जो हमें अपनी direct आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, बहुत छोटे छोटे जर्म्स होते हैं. उन जर्म्स की अलग अलग कैटेगरीज होती हैं. जर्म्स कौन कौन से होते हैं? जैसे बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है, वायरस है, ये बहुत छोटे छोटे जर्म्स होते हैं. इनसे जो बीमारी है वो एक इंसान से दूसरे इंसान को हो जाती है. दीज जर्म्स स्प्रेड थ्रू कफिंग, स्पाइटिंग और स्नीजिंग. और बच्चे ये जो जर्म्स होते हैं ये कैसे फैलते हैं? जब हम खांसते हैं या छींकते हैं या थूकते हैं, तो इनके साथ जो जर्म्स हैं, बीमारी के जर्म्स हमारी बॉडी से बाहर निकलते हैं, एनवायरनमेंट में मिक्स होते हैं. और जब उस एनवायरनमेंट में एक हेल्दी पर्सन यानी स्वस्थ व्यक्ति जब वो सांस लेता है, तो उसकी सांस के साथ वो जर्म्स उसकी बॉडी में एंटर कर देते हैं, और जो बीमारी पहले इंसान को थी जिसकी बॉडी से वो जर्म्स निकले हैं, वही बीमारी दूसरे इंसान को हो जाती है. तो इस तरह से जर्म्स के द्वारा जो बीमारी है वो एक इंसान से दूसरे इंसान को फैल जाती है. जर्म्स एंटर द बॉडी ऑफ अ पर्सन थ्रू द नोज और माउथ और विद फूड एंड वाटर. और बच्चों जो जर्म्स हैं वो सिर्फ सांस लेने के साथ ही हमारी बॉडी में एंटर नहीं करते हैं. सांस लेने के साथ साथ जो जर्म्स हैं, अगर हम कुछ खाते हैं तो हमारे मुंह के है मतलब मुंह के रास्ते से, माउथ के रास्ते से हमारी बॉडी में एंटर करते हैं. या हम कुछ खाने की चीज़ खा रहे हैं तो खाने के साथ वो जर्म्स हमारी बॉडी में एंटर करते हैं. या हम कुछ पी रहे हैं, जैसे कि हमने कोई मान लीजिए गंदा पानी पी लिया या कोई और कोई ड्रिंक पी लिया हमने, तो उसके साथ जो जर्म्स हैं यानी कि जो बीमारी के कीटाणु हैं वो हमारी बॉडी में एंटर करते हैं और हमें बीमार कर देते हैं. दे कैन ऑल्सो एंटर द बॉडी थ्रू कट्स इन द स्किन. और कभी कभी बच्चों ऐसा भी होता है जैसे हमारी बॉडी में कहीं कट लग जाता है या कोई चोट लग जाती है, छिल जाता है, तो जर्म्स उस कटे हुए पार्ट पर या जो भी हमें चोट लगी हुई है उस चोट लगी हुई पार्ट पर बैठते हैं और उस रास्ते से हमारी बॉडी में एंटर करते हैं. तो इस तरह से जो जर्म्स हैं हमारी बॉडी में अलग अलग तरीके से एंटर कर देते हैं. तो सबसे बच्चों जो अभी मैंने जर्म्स के नाम बताए आपको, जर्म्स अलग अलग टाइप्स के होते हैं यानी उनकी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं. जैसे मैंने बताया बैक्टीरिया, अब बैक्टीरिया भी जर्म्स है. अब इस बैक्टीरिया से कौन कौन सी डिसीज़ होती हैं उसके बारे में हम पढ़ते हैं.
Now bacteria cause disease like plague, tuberculosis, typhoid, pneumonia and meningitis. ये बीमारी जो होती है ये हमें बैक्टीरिया से फैलती हैं। देखिए प्रोटोजोआ, ये भी एक मतलब जर्म्स है, इसकी कैटेगरी है प्रोटोजोआ। अब प्रोटोजोआ से कौन कौन सी बीमारी होती हैं? कॉज डिसीजेस लाइक मलेरिया एंड एमोइबिक डिसेंट्री। जैसे मलेरिया होता है, आपने सुना होगा कि इसे मलेरिया हो गया, तो ये मलेरिया प्रोटोजोआ से फैलता है। नाउ नेक्स्ट इज वायरस। वायरस भी एक जर्म्स है और वायरस से कौन कौन सी बीमारियाँ फैलती हैं? इस कॉजेज डिसीज लाइक कॉमन कोल्ड, पोलियो, चिकन पॉक्स एंड मीजल्स। तो वायरस से बच्चों कॉमन कोल्ड यानी कि जैसे हमें नॉर्मल जुकाम हो जाता है, या पोलियो की बीमारी आपने देखा होगा किसी के पैर खराब हो जाते हैं, एक पैर नॉर्मल होता है और दूसरा पैर बहुत पतला सा होता है, तो वो पोलियो की बीमारी हो जाती है। तो पोलियो की बीमारी भी बच्चों वायरस से ही फैलती है। चिकन पॉक्स जैसे आप कहते हैं छोटी माता निकल आई घर में कहते हैं, और खसरा, ये सभी बीमारी वायरस से फैलती हैं। इन सम ऑफ द वेज इन विच दिस डिजीजेज स्प्रेड आर डिस्कस्ड बिलो थ्रू डायरेक्ट कॉन्टेक्ट। देखिए कुछ डिजीज ऐसी होती हैं जो अलग अलग तरह से फैलती हैं, जैसे कुछ डिजीज ऐसी होती हैं जो हम डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आते हैं तो एक इंसान से दूसरे इंसान को वो बीमारी हो जाती है। अब जैसे अ हेल्दी पर्सन कैन गेट जर्म्स बाय कमिंग इन कॉन्टेक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन। अब अगर एक हेल्दी इंसान है, हेल्दी पर्सन है, अगर वो बीमार पर्सन के कॉन्टेक्ट में आता है, यानी कि जैसे वो अगर उसकी कोई चीज़ यूज़ कर लेता है, जैसे उसका टॉवल है, उसका हैंडकरचिफ है, या उसके क्लोथ्स हैं, या उसके कोई खाने की चीज़ है, अगर वो उसको यूज़ करता है हेल्दी पर्सन, तो उसकी बीमारी उस हेल्दी पर्सन को भी हो जाती है। तो यानी कि हम अगर इन्फेक्टेड पर्सन के थिंग्स को यूज़ करते हैं तो हमें भी वो बीमारी हो जाएगी। तो ये होता है हमारे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट। अब जैसे चिकन पॉक्स, रिंग वॉर्म, वूफिंग कफ, मीजल्स आर स्प्रेड थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। तो ये जो बीमारी होती हैं ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से होती हैं, ना थ्रू एयर, हवा के द्वारा। जो हवा से कौन कौन सी बीमारी फैलती हैं, अब जैसे कॉमन कोल्ड, ऐसे कॉमन हमें जुकाम हो जाता है, तो कॉमन कोल्ड है, फ्लू, मीजल्स यानी जो खसरा होता है, ये बीमारियाँ आर स्प्रेड थ्रू द एयर, ये हवा से फैलती हैं। अब ये हवा से कैसे फैलती हैं? देखिए जब कोई बीमार इंसान, जैसे जुखाम है या खसरा है या कोई फ्लू है, जब वो खांसता है या छींकता है, तो खांसने के साथ और छींकने के साथ जो हमारे माउथ से या नोज से जो एयर निकलती है, उस एयर में बीमारी के बहुत सारे जर्म्स होते हैं। अब वो जर्म्स एयर में मिक्स हो जाते हैं, और जब उस एयर में कोई हेल्दी पर्सन सांस लेता है तो वो जर्म्स उसकी बॉडी में एंटर करते हैं और वो बीमारी उस हेल्दी पर्सन को हो जाती है, यानी कि जो स्वस्थ व्यक्ति है उसे भी कफ यानी कि जो कॉमन कोल्ड है, मीजल्स है, ये बीमारी हो जाती है। नेक्स्ट इज थ्रू फूड एंड वाटर, मतलब भोजन और पानी, इन चीज़ों से कौन कौन सी बीमारी फैलती हैं? मैनी जर्म्स कंटेमिनेट फूड एंड वाटर। बहुत सारे जो जर्म्स हैं बच्चों, वो गंदा खाना या जो गंदा पानी होता है उसके अंदर होते हैं। जब हम गंदा खाना या गंदा पानी पी लेते हैं तो वो जर्म्स हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं। अब जैसे कौन कौन सी बीमारी होती है गंदा खाना खाने से और पानी पीने से? टाइफाइड, कोलेरा, डायरिया, डिसेंट्री, जॉन्डिस एंड फूड पॉइजनिंग। देखो टाइफाइड की बीमारी आपने सुनी होगी, उसमें तेज बुखार आता है। कोलेरा, डायरिया हैजा होता है। डिसेंट्री, हमारी बॉडी में पानी की कमी हो जाती है। जॉन्डिस, पीलिया, ये सब बीमारी
फूड और वाटर से फैलती हैं। फूड और वाटर जो गंदा होता है। अब ये कैसे फैलती हैं? मिल्क फ्रॉम इन्फेक्टेड काउस में ऑल्सो कॉज इन्फेक्शन, क्योंकि जब हम कोई गंदा खाना खाते हैं तो उस खाने के साथ वो जम्स हमारी बॉडी में चले जाते हैं। अगर हम गंदा पानी पी रहे हैं तो उस पानी के साथ जम्स हमारी बॉडी में चले जाते हैं और फिर हमें भी वो इन्फेक्ट कर देते हैं, यानी कि बीमार कर देते हैं। इसी तरह से अब हम मिल्क लेकर आते हैं बच्चों। मिल्क गाय और भैंस उसका होता है, बफेलो का। अगर जिस एनिमल का हम मिल्क ले रहे हैं, यानी कि कोई या तो काऊ हो या फिर बफेलो, अगर वो इन्फेक्टेड है, यानी कि जिस अगर किसी बीमार जानवर का मिल्क अगर हम यूज़ करते हैं तो उसकी बीमारी हमें भी हो जाएगी, क्योंकि मिल्क में जम्स आ जाएंगे और फिर हमें भी इन्फेक्शन हो जाएगा। ना थ्रू इंसेक्ट बाइट, इंसेक्ट बाइट यानी कि इंसेक्ट के काटने से भी हमें बीमारी हो जाती है। सम इंसेक्ट्स आर द कैरीज ऑफ जम्स, कुछ इंसेक्ट्स होते हैं जो अपने साथ बीमारी के कीटाणुओं को लेकर आते हैं। द लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच कैरी डिसीज कॉजिंग जम्स आर कॉल्ड वेक्टर्स। अब जो ऑर्गेनिजम्स बीमारी के कीटाणुओं को लेकर आते हैं उन्हें वेक्टर कहा जाता है। When these vectors bite a sick person, अब जब ये ऑर्गेनिक इंसेक्ट किसी सिक पर्सन को काटते हैं, यानी बीमार इंसान को काटते हैं, तो उसका ब्लड, जैसे मान लीजिए मच्छर है, मॉस्किटो, एक इंसान सो रहा है वो बीमार है, ठीक है, मान लीजिए उसे मलेरिया हुआ है, मच्छर ने उसे काटा, उसका ब्लड चूसा उसने और उड़ गया, फिर वो पहुंचा एक दूसरे इंसान के पास जो स्वस्थ है, जो हेल्दी है। अब उसने उसको काटा, तो जब वो उसे काटेगा तो उसकी बॉडी का जो ब्लड है, जो मॉस्किटो की बॉडी में है, वो ब्लड वो उस इंसान के अंदर डाल देगा और उस इंसान का ब्लड चूस लेगा। तो यानी कि जो इन्फेक्टेड ब्लड था वो उसकी बॉडी में चला गया, अब उस इंसान को भी मलेरिया हो जाएगा। तो इस तरह से इंसेक्ट के काटने से भी एक इंसान से दूसरे इंसान तक बीमारी फैलती है। दीज जर्म्स आर पास्ड ऑन अ हेल्दी पर्सन व्हेन द इंसेक्ट बाइट्स हिम। द कॉमन डिजीज स्प्रेड बाय इंसेक्ट बाइट्स आर मलेरिया, डेंगू एटसेट्रा। और इंसेक्ट के काटने से जो कॉमन बीमारी हैं वो बच्चों मलेरिया और डेंगू है, जो मॉस्किटो के काटने से होता है। Now next is through carriers. Sometimes healthy and strong persons may carry germs of some diseases like typhoid, dysentery and smallpox. These persons are called carriers. कभी कभी healthy और strong person भी बीमारी के कीटाणु लेकर आता है, जैसे स्मॉल पॉक्स है, डिसेंट्री है या टाइफाइड है। सच कैरीज डू नॉट डेवलप डिसीज इन देमसेल्व्स बट मे ट्रांसफर द जर्म्स ऑफ द डिसीज इन दोज हु कम इनटू देयर कॉन्टैक्ट, क्योंकि उनकी बॉडी में तो वो बीमारी के कीटाणु हैं और उनके कॉन्टैक्ट में अगर कोई और पर्सन आता है तो वो कीटाणु उसकी बॉडी में ट्रांसफर हो जाएंगे। तो इस तरह से आज हमने बीमारी किस तरह से फैलती है, कम्युनिकेबल डिसीज़ के बारे में पढ़ा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।